कोरोना की महामारी के चलते इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में काम धंधा बंद होने के चलते प्रवासी मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इसके चलते लाखों मजदूर गरीबी की गठरी अपने सर पर रखे अपने अपने घरों की ओर पैदल जा रहे हैं। जयपुर सहित प्रदेश की सड़कों पर ऐसे ही रोज हजारों की संख्या में अभी भी मजदूर जाते हुए नजर आते हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की है, जो कि राजस्थान से नहीं है। गुजरात से भी राजस्थान होते हुए बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर ये लोग लगातार जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को 51 दिन हो चुके हैं। ऐसे में गरीब मजदूर वर्ग अपने घरों की ओर जाने को लिए मजबूर हो चुका है। कुछ ऐसी तस्वीरें फिर से जयपुर की तरफ जो सड़कों पर नज़र आ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कुछ मजदूर हैं जो गांधीधाम गुजरात से पैदल चलते चलते जयपुर तक पहुँचे और ये बिहार जाएंगे। लगातार ऐसी सैकड़ों जो मजदूर हैं जो रोज़ ऐसे ही सड़कों पर जयपुर की सड़कों से गुजरते हुए बिहार यूपी की तरफ अपने घरों की ओर नजर आ रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो कि पैदल चलने के चलते पैरों में छाले हो चुके हैं। इनसे बात भी करेंगे, कहाँ से आए हो आप और कहाँ जाना चाहते हो? अहमदाबाद जाना चाहते हैं। अहमदाबाद से आ रहे हैं। बिहार जाना चाहते हैं। बिहार जाना, गया जिला। कहाँ से आए हो, यहाँ जयपुर तक पहुँचे हो? आप किससे पहुँचे हो, किसके? पैदल यात्रा करके आया हूँ। खाली एक जगह दो, मतलब 150 किलोमीटर बस का यात्रा किया हूँ, नहीं तो वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। कब रवाना हुए थे आप गुजरात से? कब रवाना हुए? तारीख को रवाना हुए थे गुजरात से और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आगरा के लिए निकल रहे हैं। तो बिहार में कहाँ जाना चाहते हो? गांधी गुजरात में क्या करते थे आप और अब क्या कारण था आप बिहार जाने का? अब क्यों आखिर गुजरात बिहार जाना चाहते हो? हम लोग काम बंद हो गया तो इसलिए हम लोग घर से चावल बेच के पैसा लगाए। घर वाला खत्म हो गया तब क्या करेंगे। घर वाला बोला कि चल दे कैसे करके, तो हम घर चल दे। तो घर वालों ने कह दिया कि वहाँ से चल जाओ। तो जिस तरह से इन बेबस और बेचार लाचार जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं जो अपनी मजबूरियों के चलते पैदल ही अपने घरों की ओर निकल चुके हैं, गठरियाँ सिर पे रख के जो सामान था वो रख के, तो इनसे बात करेंगे। इस दौरान जब आप पैदल चल रहे हो तो आपको खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किस तरह से उपलब्ध हो रही है? क्या खाना मिल पा रहा है आपको? मिल पा रहा है। कहीं कहीं बड़े लोग हैं जो गाड़ी उड़ी से घूरते हैं, लान के हम लोग को खाना देते हैं, नहीं तो फिर भूखे आते हैं। रास्ता में दुकान वकान खुला रहता है तो बिस्कुट वकुट लेते हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि बिल्कुल मजबूरी के चलते इनको फिर से अपने घरों की ओर लौटना पड़ रहा है, इनकी आंखों में जो आंसू हैं वो बिल्कुल साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि किस तरह से मजबूरी के चलते इनको हजारों किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। जयपुर से कैमरामैन यश माथुर के साथ में लोकेश ओला, A1 TV।